और लालू यादव को साजिश करके फंसा कर और जेल में रखा गया है और तेजस्वी को सरकार गिरा दिया गया है। आज ट्रेन भी प्राइवेट हो गया है, बहुत चीज़ प्राइवेट हो गया, कहाँ है, बेच खा गया है। सरकार बदलेगा तो काम होगा, हम सब तेजस्वी भैया के साथ हैं और साथ रहेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि नया सरकार बने और नया चेहरा बने। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिर, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ टाइम्स। हम हैं चुनावी दौरे पे। जब हम रास्ते से जा रहे थे तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने माइक देख कर हमें रोक लिया कि जी हमारी जो समस्या है आप उन्हें सुनिए, कोई हमारी समस्या को नहीं सुनता है। तो हम यहाँ पर आए हैं, देखा जाए तो अभी देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा मीडिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कंगना रावत है वो इंसाफ मांग रही हैं, जो यहाँ के किसान हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, देश का जो जवान है जो देश की रक्षा करते हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। आखिर मसला यहाँ खड़ा होता है कि इंसाफ देगा कौन। चलिए, हमारे साथ बिहार के ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन बिहारियों को, इन बिहार वालों को इंसाफ देगा कौन, इनको रोज़गार कौन देगा। मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको इंसाफ कौन देगा, इनको रोज़गार कौन देगा। सिर्फ दावे और वादे ही इनको मिलता रहेगा। जी आप ये बताइए कि बिहार में अभी जो स्थिति है जी, चाहे वो रोज़गार का मामला हो, आज जो युवा हैं वो बेरोज़गारी दिवस भी मना रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी अभी जो युवा का है, उतना जिस तरह के लॉकडाउन हुआ उतना तो युवा के लिए तो बहुत ख़राब ही चल रहा है दिशा। जो सरकार भी उतना सरकार को ध्यान ही नहीं दे रहा कि युवा का कुछ ध्यान दे। जो हम भी चाहते हैं कि नया सरकार बने और नया चेहरा बने, जो कुछ बदौलत हो, कुछ अच्छा लगे, सरकार बदले। एक ही सरकार रहने से कुछ बदल नहीं पाएगा। हम सब लोग चाहते हैं कि जितना सरकार बदले उतना अच्छा काम होगा। सरकार बदलेगा तो काम होगा, हम सब तेजस्वी भैया के साथ हैं और साथ रहेंगे। क्यों साथ हैं आप? इसलिए कि तेजस्वी भैया काम अच्छा करते हैं। अच्छा, क्या काम? और इसलिए कि नीतीश कुमार जो है अदला बदली का सरकार है उनका, कभी इधर पलटते हैं कभी उधर पलटते हैं और इससे अच्छा नहीं लगता है, युवा को अच्छा नहीं लगता है। कोई भी नेता हो एक तरफ और एक में रहने से अच्छा होता है, कभी इधर से उधर होने के बाद जो सरकार बनती है वो जो चलने के बाद वो और बिगड़ जाती है, इससे कोई अच्छा नहीं बुझा रहा है। हम सब तेजस्वी के साथ हैं और तेजस्वी के साथ रहेंगे। आखिर तेजस्वी यादव के अंदर ऐसी क्या खूबी है जो आप उनको? तेजस्वी यादव के ऐसे खूबी है, वो नवयुवक है, उनके पास बहुत सा ऐसा चंचल दिमाग है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर नहीं हटाया जाता तो तेजस्वी यादव बहुत आगे बढ़ चुके होते, मगर तेजस्वी यादव को ये सब लोग साजिश करके और लालू यादव को साजिश करके फंसा कर और जेल में रखा गया है और तेजस्वी को सरकार गिरा दिया गया है। तो इस सब से इस सब तो सारा दुनिया ही जान रहा है कि सब रचना रचा गया है। इस सब रचने में अब ये रचना में हम सब लोग फंसने वाले नहीं हैं। जो रचना रच चुके हैं अब सब सारा जनता और सारा दुनिया ही जान गया है कि रचना रची हुई है। अब जो रचना में हम सब ये फंसने वाले नहीं हैं और हम जो डायरेक्ट हैं और लालू यादव को हम सपोर्ट करते हैं और हमको नेता अच्छा बुझाता है। नीतीश कुमार ने तो बिहार में बहुत विकास किया है, चाहे वो रोज़गार का हो, शिक्षा का हो। जी किया है, मगर उतना कोई चीज़ नीतीश कुमार नहीं कर पाए हैं जो नीतीश कुमार साथ रह कर करते, और उतना कोई नीतीश कुमार अलग होकर उतना नहीं कर पाए नीतीश कुमार। और जिस तरह के तेजस्वी युवा था और युवा लोग का उतना बहुत मनोबल बढ़ा हुआ था जिस समय तेजस्वी जीता था कि युवा है और युवा हम भी हैं, सब लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, मगर वैसा नहीं हुआ। बाद में ऐसा हुआ कि तेजस्वी के जो सरकार बना हुआ था और मिलजुल के सरकार मिली भगत से सरकार उनका। आप क्या करते हैं? हम तो सर दुकान चलाते हैं, हम तो किराना। किस चीज़ का दुकान चलाते हैं? मेरा तो किराना स्टोर है। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? कितना सर कमाएंगे, वही 200-250 रुपया कमा लेते हैं। और लॉकडाउन में तो ऐसा मजबूरी आ गया था कि पूरा ही हाल ख़राब था। चलिए, और भी मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। एक मिनट भैया रुकिएगा, एक मिनट इधर आ जाइए, आइए जी। चलिए साइकिल को लगाइए, आप साइकिल लगाइए। हाँ बिल्कुल, बढ़िया से लगा लीजिए। चलिए जी, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी। जी जावेद जी, आप ये क्या बेच रहे हैं? हम ये फुदना डोरा बेचते हैं। अच्छा, ये फुदना डोरा वगैरह बेचते हैं? फुदना डोरा बेच रहे हैं। कितना कमा लेते हैं रोज का? कितना? 200-400 रुपया होता है, इसका कोई निश्चित नहीं। अच्छा। हाँ, मजदूरी समझ के।
अच्छा, तो घर वगैरह चल जाता है? बहुत मुश्किल से अभी चल रहा है। अच्छा, तो बच्चे वगैरह आपके पढ़ाई करते हैं? हाँ करते हैं। अच्छा, तो 200-400 रुपए में पढ़ाई हो जाती है? नहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, बहुत ड्यूज गिरा है। अच्छा, मतलब कर्ज बहुत गिरा हुआ है? कर्ज में हम लोग। अच्छा, तो फिर कैसे आप कर रहे हैं सब चीज़ को? बहुत मजबूरी है, क्या बतलावे। अच्छा हाँ। अच्छा, ये क्या मतलब क्या है ये? ये बच्चे का हाथ गोर का है, छठी वाला बच्चा जो होता है उसके हाथ गोर का है। किसका बच्चा? छठी बच्चा जो छठी जिसका होता है उसके हाथ गोर में पड़ता है। अच्छा अच्छा, हाँ बच्चे वगैरह इसको पहनते हैं? हाँ, बच्चे वगैरह। तो आप मतलब कहाँ कहाँ बेचने के लिए जाते हैं? ये हम तो बहुत दूर तक जाते हैं। अच्छा, कहाँ जाते हैं? बिहार, रांची, उड़ीसा। अच्छा, रांची भी चले जाते हैं? हाँ रांची भी हम जाते हैं। अच्छा, रांची मतलब कैसे जाते हैं? गाड़ी से जाते हैं। अच्छा, ये साइकिल से जाते हैं? साइकिल से नहीं जाते। अच्छा अच्छा, हाँ साइकिल से नहीं जाते। तो फिर वहाँ पे मतलब दूसरा साइकिल? वहाँ पर हाँ, वहाँ पर जैसे साइकिल से नहीं, वहाँ हाथ पर लेकर घूमते हैं। अच्छा हाँ, वहाँ हाथ लेकर। अच्छा, तो मतलब आपको बिहार में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या रांची में जाते हैं वहाँ फ़ायदा होता है? वहाँ फ़ायदा होता है ज़्यादा। का है वहाँ ये सब सामान जो है सो नहीं मिलता है। अच्छा, थोड़ा सामने आ जाए ना इधर आप, वहाँ जो है ना थोड़ा इनकम है ज़्यादा। अच्छा अच्छा, इनकम ज़्यादा हो रहा है? हाँ, 1000 रुपया इनकम होता है। हाँ, तो यहाँ कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे अभी जो है सब लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, तो नीतीश कुमार जी से क्या कहना चाहेंगे? तो बर्बाद कर दिए, नीतीश कुमार से बर्बाद कर दिए। हाँ, बिहार को बर्बाद कर दिए। क्या बर्बाद किया? धोखा दिए बिहार वासी के साथ में, बिहार के जितना भी जनता है ना उसके साथ में धोखा किए। अच्छा, कैसा धोखा? जैसा होना चाहिए जो हम लोग नहीं सोचे थे उससे भी बदतर स्थिति करके छोड़े। हाँ, तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम बिहार में जो वहाँ के युवा उसको रोज़गार दे रहे हैं। उनका मुंह में आवाज़ नहीं है, वो दूसरे के इशारा पर चलते हैं। किसके इशारे पर चलते हैं? अब उतना खोल के हम नहीं बतला सकते। बताइए, कोई दिक्कत? हम हैं आपके साथ। हाँ, हम आपके साथ। बीजेपी के इशारा पर चलते हैं। हाँ, उनका अपना दिमाग काम नहीं करता है। हाँ, एक हम फुदना डोरी बेचने वाला, इतना भी हम जानते हैं कि वो अपने दिमाग से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो बीजेपी के दिमाग से सारा काम कर रहे हैं। अच्छा हाँ, आपको मालूम है कि बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव? हाँ, बदलाव होगा बिहार का। अच्छा, बिहार का बदलाव होगा। तो बिहार में आप किसको लाइएगा कि जो आपको झारखंड नहीं जाना पड़े? नहीं, हमारा तो धंधा है, हम तो पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम इस धंधा से मतलब नाराज़ नहीं है, हम धंधा से खुश। अगर आपको यहीं पर कमाई हो जाए, आपके पेट पल जाए, आपके बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो जाए, तो फिर आप क्यों जाइएगा? ऐसा देखिए, बहुत बात इसमें है, क्या बोले, मगर यही है कि आप बिहार बदलाव होगा। अच्छा, बिहार बदलाव होगा। अच्छा, तो बिहार में इस बार किसको लाइएगा? इस बार तेजस्वी जी आएंगे। तेजस्वी जी आएंगे। तेजस्वी जी आएंगे? क्यों आएंगे तेजस्वी जी? वो अच्छा उनका अभी है, और हम लोग जो है उनको चुने हैं, हम लोग उनको चुने हैं, और लगभग बिहार के जो युवा लड़का है, जो युवा है, उनको चाहते हैं। अच्छा हाँ, तो इस बार आप तेजस्वी यादव को? हाँ हाँ, तेजस्वी यादव। अच्छा, इधर आइए, बहुत बोल रहे, इधर आइए, इधर आइए ना, सामने खड़े हो जाइए। और भी मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं जी। आप लोग युवा हैं, है ना, आज बेरोजगारी दिवस भी मना रहे हैं, मालूम होगा आपको, आप भी मना रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, आप क्या करते हैं? क्या पढ़ते लेते हैं? आपके हिसाब से बिहार में कौन सी सरकार अच्छी है? जो अच्छा होगा उसको लालू को बोलिए, तेजस्वी को बोलिए। नीतीश कुमार का है अच्छा? नहीं अच्छा, नहीं बहुत अच्छी है। नीतीश कुमार का बदला हुआ सरकार, अदली बदली हो जाती है। हम क्या बिहार में किसको लाइएगा? आप लोग युवा हैं, जो होगा बढ़िया वही ठीक। कौन बढ़िया है? कौन अब तेजस्वी चाहे कोई? नीतीश कुमार को कहने लाइएगा? नीतीश कुमार भी चलिए, आप नहीं बोल पा रहे जी। आप बताइए, बिहार में इस बार किसको लाइएगा? तो मोदी जी आना चाहिए, लालू अति भाजपा है, वो सब कुछ बेच रहा है, बच्चा सबको बर्बाद कर रहा है, वो क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? राम जी बस। राम जी बस। राम जी बस। तो इस बार बिहार में किसको लाइएगा? लालू जी। अच्छा, तो मोदी जी से क्या दिक्कत है? वो तो बिहार बहुत काम कर रहे हैं, देख रहे हैं पाकिस्तान में थर थर कांप रहा है। अभी कांप रहा है बच्चा, कितना बर्बाद बहुत तक हो गया है, अब समझिए करते हैं। अच्छा, तो मोदी जी के साथ नहीं है? नहीं। चलिए जी, आप बताइए। हाँ बोलिए।
इस बार बिहार में किसको लगेगा? तेजस्वी यादव को। चलिए तने घूम जाइए। तेजस्वी यादव को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अटल कुमार। अटल कुमार हाँ। बहुत बढ़िया नाम है। अच्छा तो मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी से यह दिक्कत है कि झूठे बिन काम को लॉकडाउन। कहाँ है कोरोना वायरस? तो कोरोना वायरस ने कहाँ है वायरस? तो आप तो कह रहे थे उसको मास्क लगाने की। नहीं तो वही तो हम बोल रहे हैं, कहाँ है कोरोना वायरस? जनता के लूटा गया है। आज ट्रेन भी प्राइवेट हो गया है, बहुत चीज़ प्राइवेट हो गया। कहाँ है बेचक खा गया है? कौन खा गया? मोदी लूट रहा है, कौन लूट रहेगा? अच्छा तो राम मंदिर बनवा दिया है ना? हाँ कहाँ बनवा दिया? अयोध्या में। खाली नाम का मंदिर बना? अच्छा काम का? हाँ काम का कहाँ बना है, नाम का बना है। अच्छा तो मोदी जी का आने से तो युवा के अंदर जोश है कि अब जो है पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, चीन कांप रहा है। कहाँ कांप रहा है? राम मंदिर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? खाली नाम का बन रहा है। अभी काम चालू है ना? हाँ तो चालू है, एका दो वैसे ही चालू है। अच्छा इससे मतलब आपको कोई फायदा नहीं? नहीं की फायदा है। अच्छा चलिए, मेरे साथ एक युवा बिहार के जुड़े हुए थे, इनका कहना है कि मोदी जी जो है सब कुछ को बेच रहे, निजीकरण कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। सर मुस्कुरा करिए।